मार्केट में इस वक्त थोड़ी रिकवरी होती हुई पॉसिबल दिख रही है, तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ XRP का जो लॉस सूट है वो भी जल्दी पॉसिबली खत्म हो सकता है, यानी कि रिपल के XRP में हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो शिबा इनु है इसका एक फैशन इवेंट आने जा रहा है, और इसी के साथ इसका जो बोन कॉइन है उसकी इथेरियम वेल्स के द्वारा और भी ज्यादा बाइंग करी जा रही है। और एक और सवाल बहुत से हमारे लोगों का है कि इथेरियम में रैली तो आई ही नहीं है, तो आखिर इथेरियम में रैली कब आएगी? तो पोस्ट मर्ज रैली की भी आपको जानकारी दूंगा कि आप यहां कितना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो एक्चुअल में इस वीडियो में हम टोटल 5 कॉइंस को कवर करने वाले हैं, जो कॉइंस हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक आने वाले वीडियोस भी सबसे पहले पहुंचते रहें। ऑलरेडी हम टेलीग्राम के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप भी वॉल्फ ट्रेड को चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको कॉल्स एंड सिग्नल्स वहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉइन की बात कर लेते हैं XRP। तो एक्चुअल में 4 महीनों से लगातार रिपल के XRP में लगातार डाउन ट्रेंड आ रहा था, क्योंकि XRP का जो SEC लॉ सूट है वो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। तो एक्चुअल में अभी बहुत लंबे समय के बाद कुछ पॉजिटिव अपडेट सामने आए हैं, तो इन्होंने दोनों पार्टीज ने कुछ सेटलमेंट करी है, आखिरी जजमेंट देने की तैयारी करी है। तो यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में भी आपने एक अच्छा प्रॉफिट देखा होगा, एक हफ्ते के अंदर लगभग 40% का प्रॉफिट हमें मिला था। अभी फिर से यहां एक और रैली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये लॉसूट एंड भी हो सकता है। तो इस वक्त XRP लगभग 50 सेंट के आसपास चल रहे हैं, 0.48-0.5 डॉलर के आसपास। नेक्स्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.58 डॉलर के आसपास है, यानी कि लगभग 60 सेंट के आसपास, जो कि अगर ब्रेक हो जाता है वो खुद ही अपना एक स्ट्रांग सपोर्ट बनने के साथ साथ इसको एक लंबी रैली प्रोवाइड कर सकता है। अब जो आखिरी आर्ग्यूमेंट आई है SEC की तरफ से वो भी हम आपको बता देते हैं। तो एक्चुअल में XRP को एज ए सिक्योरिटी नहीं बोला जा रहा, तो उन्होंने खुद कहा कि ये सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जब भी XRP में परचेज होती है एज ए इकोनॉमिक रियलिटी, तो ये इन्वेस्टमेंट्स XRP होल्डर्स की रिपल में जाती हैं। तो उनका कहना ये है, यानी कि धीरे धीरे SEC ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि ये एक सिक्योरिटी नहीं है, और अभी जज को क्या करना है कि उनको एक साइड चूज करनी है, क्या ये सिक्योरिटी है क्या या नहीं है, या फिर क्या ये XRP के साथ हैं या फिर SEC के साथ हैं। तो एक्युमुलेशन का समय अभी भी बचा है, हालांकि वैसे भी बियर मार्केट चल रही है जिस कारण प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे चल रहे हैं। तो जैसे फाइनल डिसीजन आएगा इसमें हमें $2-3 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉइन के बारे में। तो एक्चुअल में शिबा इनु का एक बहुत बड़ा इटालियन फैशन ब्रांड जॉन रिचमोंड के द्वारा एक इवेंट होने जा रहा है, तो वहां पे क्या है कि शिबा इनु भी पहुंचेगा, यानी कि शिबा इनु की टीम भी पहुंचेगी। तो जिस कारण शिबा इनु ने खुद अनाउंस किया कि वो एक कटिंग एज पार्टनरशिप करने जा रहे हैं जॉन रिचमोंड के साथ। तो इस इवेंट पर पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है या फिर अडॉप्शन है शिबा इनु की, वो और भी ज़्यादा होगी, इवन इटली में या फिर यूरोप में होगी। इसी के साथ जो शिबा इनु का बोन कॉइन है उसमें भी कुछ गेंस देखने को मिल रही हैं। तो एक्चुअल में क्या कि जो इथेरियम के वेल्स हैं उन्होंने पहले शिबा इनु को टारगेट किया, अभी बोन में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं। अगर हम टॉप 1000 इथेरियम वेल्स की बात करें तो उनका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस वक्त है वो शिबा इनु के बोन टोकन में है, लेकिन अभी भी शिबा इनु टॉप पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पोजीशन है इन वेल्स की वो शिबा इनु में है। तो मेरा कहना ये है कि आप शिबा इनु के अलावा अभी इसके इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डंप आने के बाद प्राइस इतना ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो उसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। तीसरी कॉइन की बात करें तो यह कार्डानो। आपको पता ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले वेसिल हार्ड फोर्क आया है। टॉप 8th रैंक पर आने वाला कार्डानो आडा बहुत लंबे समय से हमें गेंस नहीं दे रहे, लेकिन अभी मौका आ चुका है, क्योंकि अभी ट्विटर के ऊपर या फिर सोशल नेटवर्क के ऊपर की बात करें तो आडा को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। इसके जो सोशल मैट्रिक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 52,500 से भी ज़्यादा पोस्ट इसकी डली हैं। तो वैसे हार्ड फोक से क्या कि इस चेन के अडॉप्शन भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिस कारण आडा में हमें आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्चुअल में आडा का प्राइस अभी चल रहा है लगभग 0.45 डॉलर के आसपास, यानी कि आधा डॉलर, और आप यहां से लगभग 150% तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथा कॉइन है हमारा XTZ, यानी कि टेजोस। तो एक्चुअल में टेजोस का काठमांडू प्रोटोकॉल अपग्रेड आया है अभी, तो इसमें अभी तो हैवी सेलिंग प्रेशर चल रहा है, लेकिन इस अपग्रेड के बाद इसकी जो स्केलिंग कैपेबिलिटीज़ है इस प्रोटोकॉल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एज ए लेयर टू सोल्यूशन भी काम करने वाला, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला है, जिस कारण टेजोस की अडॉप्शन इन दिनों के अंदर और ज़्यादा बढ़ेगी और कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर बिल्ड किए जाएंगे। तो अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप लगभग $1.5 या फिर $1.4 के आसपास ले सकते हैं, तो आप यहां से एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। पांचवा कॉइन इथेरियम, जिसका मर्ज इवेंट भी पूरा हो चुका है, लेकिन पोस्ट मर्ज रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तक नहीं आई है, तो इस चीज़ को हम बहुत ही जल्द एक्सपीरियंस करेंगे। एक्चुअल में इन्वेस्टर्स ने जो मर्ज की न्यूज़ थी उनको पहले बाय किया और सेल कर दिया, यानी कि सेल द न्यूज़ करके उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया।
लेकिन अभी बहुत बड़े डिस्काउंट पर इथेरियम मिल रहे हैं। मेरा मानना यह भी है कि अभी ये लगभग $1,000 के आसपास भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। अगर आपको यहाँ पे बाइंग करने का मौका मिलता है $1,200 के आसपास भी मिलते हैं तो आप बाइंग जरूर करना, क्योंकि इसका अभी कंसोलिडेशन पीरियड आ रहा है, कंसोलिडेशन चल रही है इथेरियम की, जिस कारण आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। तो यही थे हमारे आज के 5 कॉइंस। इन कॉइंस के अलावा अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और एक और अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, अगर आप TDS सेव करना चाहते हैं तो आपको 100% TDS कैशबैक मिलेगा VTRED के ऊपर, जो एक खुद इंडियन एक्सचेंज है, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ आपको 14% इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर आप USDT के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ लगभग 50 से ज़्यादा कॉइंस के ऊपर 1% कैशबैक भी आपको मिलेगा अगर आप VTRED के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो सारे लिंक्स आपको इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आपको क्रिप्टो कॉल चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाली है, वॉफ्ड ऑफिशियल के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।